एंड वेलकम टू हार्टिका नर्स। ये जो आप सुंदर सुंदर डिजाइंस देख रहे हैं, ये हमने बनाया है सिंपल एंड इजी टेक्निक से विथ रंगोली स्ट्रेनर्स। जी हाँ, रंगोली स्ट्रेनर्स जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारे साइज एंड शेप्स में और बहुत सारे डिजाइंस में, इनको यूज करके हमने ये सब सुंदर सुंदर डिजाइन्स बनाए हैं। बहुत ही इजीली आप ये जाली वाले स्ट्रेनर से ट्रेसिंग कर सकते हैं और कपड़े पर सुंदर सुंदर डिजाइन्स बना सकते हैं। तो इनको यूज करके हम किस तरह से ट्रेसिंग करें और डिजाइन उठाएं और किस तरह से हम इसको फैब्रिक पेंटिंग करें, चलिए सीखते हैं। तो रंगोली स्ट्रेनर से डिजाइन उठाने के लिए आपको चाहिए एक रंगोली स्ट्रेनर और एक पेंसिल। मैं यहाँ पर पेपर पर बना के पहले आपको बताऊंगी, फिर दिखाऊंगी कि कैसे हम स्ट्रेनर को डायरेक्ट कपड़े के ऊपर रखकर पेंसिल से ट्रेसिंग कर सकते हैं। एकदम इजी है, बस पेपर या फिर कपड़े के ऊपर आपका स्ट्रेनर रखिए और इसे किसी चीज से दबाने की जरूरत भी नहीं। ये ना तो हिलेगा, ना ही आपको कोई चिपका के रखने की या फिर प्रेशर ऊपर से डालने की जरूरत पड़ेगी। बस आपको ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यही है कि आपका जो पेंसिल है वो एकदम पॉइंटेड होना चाहिए। पॉइंटेड होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो आपका डिजाइन है वहां कॉर्नर्स पर आपका पेंसिल पहुंचना चाहिए, क्योंकि हम इस जाली वाले डिजाइन के इनसाइड को ट्रेस करेंगे और इस तरह के सुंदर सुंदर डिजाइन्स बनाएंगे। तो हमें बस अपने पसंद के कपड़े या फिर पेपर पर, जब यहाँ पर मैं पेपर पे पहले बताऊंगी, तो पेपर पर या फिर कपड़े के ऊपर आप बस सिंपल इसको रखिए, पेंसिल लेके हल्के हाथ से ट्रेसिंग करेंगे इस तरह से। आप ध्यान रखिए कि जब आप फैब्रिक पेंटिंग के लिए ट्रेसिंग कर रहे हैं तो हमेशा 2B का यूज करें और पेंसिल आपका एकदम शार्प पॉइंटेड होना जरूरी है। तो इस तरह से इसको आराम से आप ट्रेसिंग कर लें, पूरा टाइम लेके धीरे धीरे ट्रेसिंग करें। जब आप जाली चुने खरीदने के लिए, जब आप जाली चुने तो फिर ध्यान रखिए कि उसके इनसाइड एकदम क्लीन होने चाहिए, यानी उसका जो अंदर का पोर्शन है उसमें थोड़ा बहुत प्लास्टिक लगा हुआ होता है, अच्छे से कट नहीं होता है, कुछ कुछ जाली स्मूथली नहीं बने हुए होते हैं। तो उस तरह के जालियों का चुनाव आप ना करें, उस तरह के जाली ना खरीदें। या तो आप रंगोली बनाएं या फिर इस तरह ट्रेसिंग करके फैब्रिक पेंटिंग के लिए ट्रेसिंग करें तो आपका जो डिजाइन है वो खुरदरा नहीं दिखना चाहिए, स्मूथ एंड नीट होना चाहिए। इसलिए एकदम नीट एंड क्लीन कट हुआ जाली ही आप खरीदें। तो चलिए इसे हम पूरा ट्रेसिंग कर लेते हैं, फिर देखते हैं। तो लीजिए, हमने पूरा ट्रेसिंग कर लिया है। तो पूरा ट्रेसिंग करने के बाद हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से दिखेगा, देखिए है ना एकदम सुंदर। अब इसे पेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो इस तरह से जो हमने पेंट किया है, ट्रेसिंग किया है, उसके अंदर ये जो पतले पतले लाइंस जो हमारे ट्रेसिंग के हैं उसके अंदर हम कलर भरें, या फिर सिंपल बाउंड्री बना लें डिजाइन के चारों तरफ, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। इस तरह से चारों तरफ हमने डिजाइन को लगा के स्केल से लाइन बना लिया और इनसाइड पर्सन को,
यानी जो हमारा ट्रेस किया हुआ पतले पतले डिजाइन जो हैं उनको छोड़ के। देखिए वहां पर हमने स्पेस रखा है, वहां पर हमने कलर नहीं किया, बाकी का जो एरिया है वो सारे के सारे एरिया को हम इस तरह से कलर कर लेंगे। दो तरीके हैं ड्रेसिंग के बाद फैब्रिक पेंटिंग करने के। या तो आप इस तरह से जो पतले पतले ट्रेसिंग लाइंस हैं उसके इनसाइड को कलर करें, या फिर ट्रेसिंग के लाइन को छोड़ के बाकी के एरिया को चारों तरफ इस तरह से सील कर लें, लाइन बना लें और उसको स्पेस को आप कलर करें। आप चाहे तो ब्लैक पेंटिंग या फिर कोई भी एक सिंगल कलर लेके पेंटिंग कर सकते हैं, या फिर इस तरह से मल्टीपल कलर चूज करके सुंदर सुंदर कलरफुल डिजाइन्स आप बना सकते हैं। एकदम आसानी से बनने वाले ये सब डिजाइन्स हैं, और इससे आप बेडशीट, पिलो कवर्स, टेबल कवर, डाइनिंग टेबल कवर ये सब चीज़ें बनाएंगे, या फिर पर्दे भी बनाएंगे तो बहुत सुंदर दिखेंगे। तो चलिए देखें कि किस तरह हम सुंदर सा एक फैब्रिक पेंट इसको यूज करके बनाते हैं, आइए सीखें। तो देखिए जो हमारा स्टेंसिल है उसको हम यूज करके सिंपल ट्रेसिंग के थ्रू कपड़े के ऊपर डायरेक्ट रख के हमने ट्रेसिंग कर लिया और हमारा डिजाइन हमने ले लिया। बस जैसे हमने कागज़ के ऊपर किया था वैसे ही मैंने इस तरह से ट्रेस करके अपना डिजाइन उठाया है। मैंने ये वाला स्टेंसिल यूज किया है कागज़ के ऊपर, ठीक वैसे ही कपड़े के ऊपर मैंने बनाया है। इसको आप मल्टीपल कलर का भी बना सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको व्हाइट पेंटिंग ब्लैक पेंटिंग सिखाया है उस तरह से एक ही कलर लेके आप पेंटिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो गोल्डन कलर का यूज करके आउटलाइन भी बना सकते हैं, या फिर ब्लैक कलर यूज करके भी आउटलाइन बना सकते हैं। अंदर कलर भरिए, कलर सूखने के बाद फिर आप आउटलाइन बनाइए। तो यहाँ पर मैं मल्टीपल कलर चूज करके डिजाइन बनाऊंगी, और फिर गोल्डन एंड मीडियम का यूज करके आउटलाइन दूंगी। आइए देखें कैसे बनाते हैं।